चलिए हेलो स्टूडेंट, अभी हमने आपको पार्ट वन वीडियो डाला था, लेकिन इत्तेफाक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वीडियो डाल कर बना रहा हूं। आप लोग हमारे साथ निरंतर और लगातार हमारे साथ बनने का प्रयास करेंगे। आपको पुनः आपको क्रम 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको एकदम बढ़िया से देखने की जरूरत है आपको, है ये? तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल आपको 50-51 नंबर तक बना दिए थे पार्ट वन वीडियो में, पार्ट टू में आप देखेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, प्लस के एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन अगर कहेंगे तो एक्स क्यू वाई थ्री प्लस के, ऑप्शन नंबर बी। जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो मत गलती से लिखना, बहुत गलत होता है वहां पे, याद रखिए जीरो का इंटीग्रेशन के हो जाएगा, यानी चाहे सी बोलिए कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं बोलू वन वटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट के अंदर के डी ऊपर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है टू रूट अंडर, तो ये आपके स्क्रीन पे 55 नंबर सवाल हो गया, क्लियर है ना। अब आ जाएंगे हमारे पास, 56 नंबर आपके स्क्रीन पे, साइन ए एक्स, साइन का इंटीग्रेशन कॉस और गुना का वासे गुना, ऑप्शन नंबर बी। एफ साइड ए टेंस टू बी एक अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी कब होता है, जब एफ ऑफ ए उपसमुच बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। खटाक सुकून टेन इनवर्स माइनस एक्स, सूत्र आपका है टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है हमारे पास पाई बाई टू होता है। अब आ जाइए आपके स्क्रीन से 59 नंबर सवाल हो गया खत्म, 59 नंबर सवाल आपको हो गया खत्म। 60 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया, 60 नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया, एक्स अक्ष की दिक को जया, दिक को साइन अगर कहा जाएगा, एक्स अक्ष की दिक को साइन, तो एक्स वाला में जो वन रहेगा तो यानी आपका 100 होगा, और अगर बाई रहता तो 010, अगर जेड अक्ष कहेगा तो आप बोलेंगे 001 होता है, है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट, तिरछे गुना करो, एकरा गुना एकरा घटा वेरा गुना एकरा, सीडी माइनस ए बी, सीडी माइनस ए बी, खटाक सुकून ऑप्शन नंबर हो गया बी। आपके स्क्रीन पर 63 नंबर ई के पावर लॉग एफ एक्स, हम आपको बताए थे कि ई के पावर लॉग एक्स है तो इसका मतलब एक्स होगा, ई के पावर लॉग चश्मा तो चश्मा, ई के पावर बोतल तो बोतल, ई के पावर सीसी तो सीसी, लेकिन ई के पावर लॉग एफ एक्स तो इसका मतलब एफ एक्स, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो चलिए 63 नंबर आपका जवाब हो गया क्लियर। 63 के बाद आपके स्क्रीन पे आ रहा 64, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम पढ़ाए होंगे, सॉरी शुरू शुरू जब डिफिनिट इंटीग्रेशन चालू किए हो तो आपको लिखाए होंगे कि इसका जो सूत्र हम लोग बनाते हैं एफ बी माइनस एफ ए होता है, यानी एफ बी माइनस एफ ए, ऑप्शन देखेंगे तो सी, ऑप्शन नंबर सी। ये दसवां आपको 11th क्लास का शॉर्ट सिंपल हाफ एंगल सूत्र, 2 sin θ / 2 cos θ / 2 sin θ, ऑप्शन नंबर बी। tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस के चाहे सी, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, खटाखट आप देखे एकदम बढ़िया से 67 नंबर सवाल हो गया खत्म। 67 के बाद आपके स्क्रीन पे आ रहा 68 नंबर, ए ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आप लोग को पढ़ाएंगे, देखिएगा यूट्यूब पर अभी भी वीडियो है, प्राइवेट नहीं किया गया है, तो जब भी आपका एगो डिफरेंस आ जाए, तीनों अगर सेम रहता तो अलग बात था, लेकिन एगो भी आपका डिफरेंस आ जाएगा तो डायरेक्ट इसका मान आपका हो जाएगा जीरो, एगो भी डिफरेंस रहेगा तो आपका डायरेक्ट मान हो जाएगा जीरो। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंसिएशन -1/√(1 − x²), ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए इससे हर साल एक क्वेश्चन आता, हर साल एक से दो क्वेश्चन आता, सबसे ज्यादा बार डीसी, सबसे ज्यादा बार डीसी तो कोटि कहलाता है, ओकर जो पावर रहेगा वो डिग्री कहलाएगा, तो देखिए हमको करा कोटि, तो कोटि इसका के बार हो गया डीसी, बताओ दो बार है, ये आपका एक बार, ये कोई भी बार नहीं है, तो कोटि आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। अगर डिग्री पूछता, तो एकर पावर 1 है तो 1 होता, जो सबसे ज्यादा बार डीसी वो ऑर्डर और ओकर जो पावर उसी का नाम घात, तो ये आपका हो गया कोटि, क्लियर है। अब आपके स्क्रीन पे log ax, log बाहर करो a, log a बाहर करो तो dx का इंटीग्रेशन x, तो यानी हो गया ax log a प्लस के, log a बाहर होगा तो dx का इंटीग्रेशन x, तो ax log a प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका हो गया b, है ना, क्लियर हो गया। तो चलिए आपके स्क्रीन पे 71 नंबर सवाल पहुंच गए हैं, अब आइए आपके स्क्रीन पे 72 नंबर सवाल की ओर। अव्यू a और b एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, आपका एकदम सिंपल मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था, ये व्युत्क्रम कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, डायरेक्ट बे में सूत्र था। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत जीरो से लेकर, पाई तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। गलती से आप ई वाला नहीं मारेंगे क्योंकि छोटी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब जीरो भी होगा
पाई भी होगा और जीरो और पाई के बीच में भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन लॉलीपॉप एकदम पूछा गया कई बार एग्जाम में, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। 75 नंबर देखें, a के पावर x का इंटीग्रेशन, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log a, a के पावर x बटा log a, यानी आपका हो गया 75 का नीचे आपको दिया गया है ना, या देख लेते हैं यहां पर आपको आ जाता है तो 75 ही से शुरू करते हैं। a के पावर x का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाए होंगे, a के पावर x बटा log a, अगर डिफरेंशिएशन का तो ई हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन का तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए a बराबर ai j n गुना n, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट a का मोड, इस टाइप के बात अगर कभी भी देखें तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है आपका, आपका हो जाता है डिटरमिनेंट a के पावर n, डिटरमिनेंट a के पावर n है ना। तो चलिए आपका हो गया स्क्रीन पे 77 नंबर, log fx तो log का इंटीग्रेशन 1 by x तो x की जगह fx, fx का इंटीग्रेशन f'x, तो ये ऑप्शन हो गया आपका कड़ाका, क्लियर है। तो चलिए आपका 76 नंबर सवाल हो गया, 77 नंबर का जवाब आपके स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, 77 तक हो गया। 78 नंबर सवाल का जवाब, रूट एक्स का डीसी, रूट एक्स का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी हम लोग पढ़े 1/2 रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स, करा वेक्टर ए बराबर इतना के दी का अनुपात, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, दिक अनुपात पूछा, तो x, y, z होना चाहिए, x, y, z होना चाहिए, तो ये आपका हो गया x, y, z। चलिए इतना का मापांक पूछा है तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो चलिए आपका हो गया 81 नंबर तक सवाल क्लियर। अब आपके स्क्रीन पे 82, एंगल सेम रहने पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान पाई बाई 2, क्लियर हो गया। अल्फा से बीटा, अब ये देखिए हमारे पास ही क्या दिया है, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा और एफ एक्स डी एक्स, आप लोग एक बात बताओ, लिमिट को चेंज कर देते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ई हो गया बीटा, ई हो गया अल्फा, ई हो गया बीटा, तो अब बताओ तो छोटू, जब ई नीचे लिया एकरा ऊपर लेके चल गए तो फिर से देखिए कट गया, कटने के बाद इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आई जे के है, आई जे के है, देखिए आपका आई जे के है, इसका मतलब हम इसको रफ करके बता दिए, आई डॉट जे क्रॉस के का मान, देखिए जे क्रॉस के का मान, देखिए पहले जे क्रॉस के मान आई, तो आई डॉट आई का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, आई डॉट आई, सॉरी यहाँ पे गलती हम लिख दी, I डॉट आई का मान कितना हो जाएगा, वन, ऑप्शन नंबर आपका भी। देखिए I को छोड़ दिए, J को K से गुना कर लिए, J क्रॉस K का मान आई, I डॉट आई का मान वन, क्लियर हो गया। अब देखिए K क्रॉस J, अब देखिए करा K क्रॉस J तो माइनस I होना चाहिए, K क्रॉस J, ध्यान से देखिए K क्रॉस J उल्टा चला तो माइनस I होगा, माइनस I होगा, जो आपको हम नहीं लिखे यहां पर लगता है, चलिए यहां पर लिख देते हैं माइनस आई है ना। देखिए के क्रॉस जे उल्टा चलेगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई होगा, जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल खत्म, 86 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, इतना है तो ए बी के दिक अनुपात, दिक अनुपात के मतलब पिछला माइनस अगला, x2 माइनस x1 by 2 माइनस by 1, z2 माइनस z1, यानी x2 माइनस x1 by 2 माइनस by 1, z2 माइनस z1, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 बटा x स्क्वायर के इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा x, माइनस 1 बटा x, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, क्लियर है। x बाई तल का समीकरण जे नहीं है ओकरा बराबर जीरो, इतने रट लो, x बाई तल का समीकरण ना है ओकरा बराबर जीरो, यानी z बराबर जीरो होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। x बाई तल का बिंदु, x बाई तल का बिंदु ध्यान देना, तो x कॉमा बाई ना है ओकरा बराबर जीरो, यानी x बाई तल का बिंदु कहेगा x कॉमा बाई कॉमा जीरो हो जा, ध्यान रखना है, स्लिप नहीं करना, इस सब के फोटो पार पार के मैंने आपको बताया था छोटू। 87-89 तक हम लोग पहुंच गए हैं, आपके स्क्रीन पे 90 नंबर सवाल, जे डॉट जे सेम रहने पर वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है ना, 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र पढ़े होंगे, 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आप लोग ये पढ़ाया गया होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्लियर है।
तो आप इस चीज को देख लेंगे, 1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्लियर है? तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे बढ़िया से। अब देखिए 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स, तो डायरेक्ट आपको 100 में 100% या लगभग 90% फॉर्मूला यूज होता था, याद है क्या फॉर्मूला होता था कि 0 से a, 0 से a तो एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स, तो ध्यान से देखिए एफ ए माइनस एक्स कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका b है, ऑप्शन नंबर आपका b है, क्लियर हो गया? अगर dy बटा dx g इंटू y बटा x, अगर dy बटा dx है तो क्या पुट होता था, x बराबर vy, आप याद कीजिए सब बहुत सिंपल सी, y बराबर vx, ये सभी हम लोग पुट करने के लिए भी सिखा देते हैं, dy बटा dx बराबर आपका ऐसे रहेगा तो y बराबर vx पुट किया जाता है, और dx बटा dy रहता तो x बराबर vy पुट करते हैं, तो ये सिंपल सिंपल बात है, मैंने आप लोग को बता दिया था, है ना? तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया, aij बराबर n गुना एक विषम सममित होगा यदि, कब होगा, कब होगा, विषम सममित के मतलब आगे माइनस लग जाना चाहिए, तो देखिए यहां पर यास में आपको लग गया माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब बेसिक चीज है, बेसिक चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कॉट स्क्वायर एक्स का दसमा के सूत्र मैंने एक दे दिया, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आपका क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा, ई तो बताओ फॉर्मूला है, आगे के डीसी पीछे, तो ई के पार एक्स इंटू आगे, ऑप्शन नंबर आपका हो गया जस्ट ए ए एकदम हिया हुआ, एक रगन रहे, तीनों एक रगन है, इसका मतलब इसका मान रिजल्ट जीरो के बराबर हो जाता है। आप लोग पेज उलट के देख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला भी पढ़ाया था, 97 के बाद आपके 98 नंबर, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, सब सिंपल सिंपल मैंने थ्योरी में ही बातचीत कर दिया। ए बी सी संरेख होंगे कब, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य हो तो संरेख होंगे, यानी आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर जीरो, यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो भी। ए के पार एक्स का डी सी कहेंगे तो ए के पार एक्स लॉग ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा छोटू, 101 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए, 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक इनवर्स एक्स प्लस के, तीन गुना तीन कोटि का इकाई अभियू होता है, इसमें कौन होगा बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एकदम सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी, आपका सूत्र बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी के बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी पट लिया हो तो प्लस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी के सूत्र कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो आप पढ़ाएंगे पढ़ाए होंगे कि डीवाई बटा डी एक्स बराबर जीरो होता, तो सिंपल सिंपल बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपके स्क्रीन पे 105 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया है, 106 नंबर रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या पुट करते हैं, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर हम ए टेन थीटा या एक कॉट ए टेन थीटा या एक कॉट थीटा पुट करते थे, लेकिन वन है तो यानी कि टेन थीटा या कॉट थीटा पुट होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। दो रेखा लंबवत होंगे, लंब कब होते हैं, जब ए वन ए टू जोड़ बी वन बी टू जोड़ सी वन सी टू बराबर शून्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, तो दिक अनुपात होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, जहां पर मिल जाएगा वहीं लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बटा बी डैश, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा वन, ये आपका सिद्ध भी हम किए होंगे, तो एकदम जनरल सा बात, इसको एक रिविजिंग के तौर पर आप याद रखें, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। आपके स्क्रीन पे आ गया P बराबर क्या होता, यानी P प्लस P डैश बराबर 1 होता, तो P डैश बराबर 1 माइनस P होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब आपका अंत होने जा रहा, ध्यान से देखेंगे, रेखा x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b z माइनस z1 बटा c, तो दिक अनुपात होगा, तो दिक अनुपात नीचे वाला को बोलते हैं, यानी a कॉमा b कॉमा c हो जाएगा, क्लियर है? a का भी हूं अभ्युत्क्रमणीय होगा, अभ्युत्क्रमणीय कब होता है, जब डिटर्मिनेंट a का मान शून्य के बराबर होता है तो उसे अभ्युत्क्रमणीय कहा जाता है, क्लियर है? यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो हमको पूछ देगा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निम्न में कौन होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान शून्य के बराबर होगा,
तो मैं आप लोग को इसलिए बता दिया आज का क्लास बहुत कम टाइम में आपको बताने के इसलिए प्रयास करें कि कम टाइम में आप देख लीजिए। अब हमारे ओर से आप सभी लोग को ओल्ड 12 के लिए समझिए तो लास्ट क्लास हो गया, आज के बाद हम लोग एग्जाम के बाद मिलेंगे शाम में आंसर शीट मिलाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहेंगे शाम में एग्जाम देने के बाद, कल एग्जाम देने के बाद किसको किसको कितना नंबर आया वो आप देख सकते हैं, हम आपको मिलवा देंगे। किस आधार पर आपका कौन कितना बनाए हैं वो आप अपने आपका शाम 6 बजे आपको हम कल लाइव में आकर बता देंगे कि किनको किनको कौन कौन बच्चे कितना बना पाए वो आप मिला लीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बता दूं आप लोग को कि मैं आप लोग के लिए भगवान से दुआ करूंगा, मां सरस्वती की से विनती करूंगा कि हमारे पास पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन अंक लाकर सफल हो। आज आप लोग के हमारे ओर से आप लोग के लिए बेहतरीन आशीर्वाद दिया जा रहा है। और एक चीज लास्ट जाते जाते मैं आप लोग को कराऊं कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। तो बाय बाय, आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए, हम लोग मिलते हैं एग्जाम देने के बाद शाम 6 बजे लाइव के साथ मिलेंगे। किसको कितना सही हुआ आप मिला सकते हैं, कल 6 बजे मिलेंगे हम लोग। लेकिन याद रखें शाम 6 बजे मिलेंगे, सुबह नहीं। याद रखें आप लोग आज एक आध घंटा टाइम निकालकर इसको पढ़ लेंगे, दूसरी बात एकदम प्रिपेयर होकर जाएंगे वहां पर, बिना टेंशन लेके जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही ठीक कर लेते हो तो बहुत बढ़िया कर लेंगे मार्क्स। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।